अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दाल और चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1 कड़छी या आधा कप। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज जो है वो कट करके डाल दिया। अगर आपके पास छोटे हों तो आप दो ले सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं सॉटे कर रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं चिकन की तरफ, जो कि 4 to 5 पीसेस हैं। और इस चिकन के साथ जो है वो बोन्स भी हैं, ठीक है। और 4 to 5 पीसेस इसीलिए हैं जस्ट फॉर द टेस्ट, हम जो है वो दाल में ऐड करते हैं चिकन, ठीक है। अब इसको 4 to 5 मिनट्स भूनेंगे। मेरा चिकन भी फ्रीज है, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं अदरक लहसुन चॉप डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर देना है। अगर आपके पास पेस्ट भी हो तो वो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। अभी हम इसको 2 to 3 मिनट्स जो है वो सॉटे करेंगे चिकन के साथ ही। उसके बाद हम चलेंगे टमाटो की तरफ, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है रफली, क्योंकि मुझे इसको प्रेशर लगवाना है। उसके साथ मैंने 1 ग्रीन चिली ली थी, ठीक है, उसको भी मैंने कट कर लिया था। अभी इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक, क्योंकि हमें पता है कि नमक जो है वो टमाटर को सॉफ्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जी, हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही हम इस हंडिया का जो मेन इंग्रेडिएंट है, चने की दाल, वो डाल देंगे, जो कि 250 ग्राम है एक पाव यानी कि, ठीक है। इसके बाद देगी मिर्च डाल देंगे। उसी के साथ ही हम जो है वो दादरी मिर्च, जिसको बोलते हैं, वो 1 चम्मच डाल देंगे। दोनों का एक एक चम्मच डाल देंगे। अब इसको एक मिक्स दे देंगे और इसके अंदर 1 कप पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। और 15 मिनट्स की इसको विसल लगवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विसल लग चुकी है। मैंने अपना कुकर, प्रेशर कुकर खोल दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। और जी, यहाँ पर हम इसको अपनी सर्विंग बॉल में निकाल रहे हैं, और चावल और चावलों के साथ आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और इसके ऊपर अब मैंने गार्निशिंग कर दी है जिंजर की और ग्रीन चिली की। ये साथ उबले हुए चावल हैं और साथ आपकी मज़े की दाल है, और स्वीट डिश भी अगर आपके घर बनी हो तो भी आप।